नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के इटावा से है, जहां इटावा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस को 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया था। यह इनामी बदमाश साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देता था। इसके दो साथी फरार चल रहे थे, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक तमंचा और 5,000 रुपए और एटीएम कार्ड, कई एटीएम कार्ड बरामद हुए। सभी आरोपी जनपद के जगह जगह पर जाकर साइबर क्राइम जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे और सभी आरोपियों के पास से दो हुंडई कार, 45,500 रुपए नगद, एक तमंचा, एक रिवॉल्वर, 7 ATM कार्ड बरामद किए गए। पकड़े गए सभी तीनों आरोपियों पर विभिन्न थानों में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मौके पर SSP संतोष कुमार मिश्रा ने पूरे घटना का खुलासा करते हुए बताया। आप देख रहे हैं इटावा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। ये जनपद इटावा में जो अपराधियों के खिलाफ जो लगातार अभियान चल रहा था, उसी में जनपद इटावा की थाना सिविल लाइन और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये अंतरराज्य साइबर क्राइम एटीएम फ्रॉड और लूट का एक बड़ा गैंग जो है पकड़ा गया है। इसमें एक बदमाश मुठभेड़ में 25,000 का जो इनामी था, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल होकर पकड़ा गया और बाकी उसके अन्य दो साथी सचिन और विपिन वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये साइबर क्राइम और एटीएम फ्रॉड के मास्टरमाइंड हैं और ये एटीएम्स में जाके लोगों को के साथ फ्रॉड करके उनके कार्ड बदल के पैसों का गबन किया करते थे और साथ ही साथ जो पिन है, जो व्यक्ति का पिन आगे देख के और उस पिन का इस्तेमाल करके और एटीएम कार्ड को ही स्वैप कर दिया करते थे, ये बता के कि आपका जो है एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा, हम इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, ये कह के लोगों को गुमराह करते थे। एटीएम कार्ड स्वैप कर लेते थे और स्वैप करने के बाद में उससे पैसा निकलवाते थे, शॉपिंग करते थे और उससे जो है अन्य अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर करवा के उसका उपयोग करते थे। ये गैंग पे काम करने के लिए लोकल लेवल पे और सर्विलांस लेवल पे लगातार टीम काम कर रही थी और करीब 15 दिन की मेहनत के बाद में जो है ये जनपद इटावा में जो ये अपराध कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। और इनके पास से मैं बता दूं, दो कार जो है वो बरामद की गई है। ये कार एटीएम फ्रॉड के द्वारा जो पैसा लिया गया है उससे खरीदी हुई है और साथ ही साथ कई एटीएम कार्ड्स मिले हुए हैं, इनसे कैश बरामद हुआ है और जो शॉपिंग इन्होंने वी मार्ट से किया था वो शॉपिंग के जो सामान भी प्राप्त हुए हैं। और इनके गैंग पे हम लोग लगातार ऐसे गैंग पे काम करते रहेंगे और जनपद इटावा में एटीएम फ्रॉड और साइबर क्राइम से संबंधित जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। ये शातिर किस्म के ये क्रिमिनल्स हैं, इसमें से ये क्रिमिनल अन्य जो राज्य हैं उनमें भी ये क्राइम करते रहे हैं। ये असित नाम का एक जो है क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, ये अन्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली वगैरह में भी इसने क्राइम किया हुआ है, इनका क्राइम हिस्ट्री भी है और ये मध्य प्रदेश से जेल भी जा चुका है। और लगातार हम लोग ऐसे गैंग्स पे और भी काम करते रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद इटावा में एटीएम फ्रॉड और साइबर क्राइम के जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ के सबको जेल भेजा जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे जो एटीएम पे जाते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये आपके माध्यम से मैं दो चीजों को कहना चाहूंगा। पहली चीज है, जब भी आप एटीएम में जाए तो आप इस बात को ध्यान रखें कि उस एटीएम में सिर्फ आप ही हो जो समय ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बाकी जितने भी लोग हो वो बाहर खड़े हुए हो। दूसरी बात, अगर लोग अगर उसमें मौजूद है तो आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं अपने ट्रांजैक्शन कीबोर्ड पे किसी को भी हाथ लगाने ना दे और किसी वजह से अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो कैंसिल करके आप अपना कार्ड अपने हाथ में लेके उसको सुनिश्चित कर ले कि आपका ही कार्ड है और कैंसिल आपने ट्रांजैक्शन कर दिया है, उसके बाद ही आप एटीएम के सेंटर से बाहर निकलिए। अगर इन दो चीजों को आप ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने पिन पासवर्ड अपने तक आप सुरक्षित रखें तो इसमें जो है एटीएम फ्रॉड की घटनाएं जो है आपके साथ नहीं हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।